नमस्कार, मैं आचार्य संजय टेस्ट एस्ट्रो थेरेपी चैनल से। बिस योग, जनरली बिस योग को मुख्यतः कुंडली पे चंद्र राशि, चंद्र जहाँ हैं उसके साथ अगर शनि बैठा हो युति बना के, या कहीं ना कहीं से शनिदेव थर्ड एस्पेक्ट, सेवेंथ एस्पेक्ट, टेंथ एस्पेक्ट से चंद्र को देख रहे हो, तो विष योग बनता है, ऐसा ज्योतिषी लोग कहते हैं। हैं या नहीं, इसे विष योग कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा, यह बात की बात है। इसका इंपैक्ट क्या है ये फिर दूसरा बात है, और मैं इसको दो भाग कहता हूं। एक, पकड़ लीजिए आपका कोई भी राशि हो, चलिए मकर राशि पकड़ लेते हैं। अभी आसमान पे, आकाश में, आबा वो यूनिवर्स पे, या जहां हमारे सारे नौ ग्रह का स्थिति है, वहां शनिदेव मकर राशि में बैठे हैं। और अगर मकर राशि किसी का बात टाइम, बात चार्ट पे मकर राशि है, तो विगत 2.5 साल से 7.5 ही लगा था, 12th हाउस चंद्र राशि से 12वां स्थित थे शनिदेव, अब लग्न पे, चंद्र लग्न पे, चंद्र राशि पे आ गए, और इस समय उस राशि के साथ बैठे हुए हैं मकर राशि में, जिनका जिनका चंद्र है उसके साथ। एक बर्थ चार्ट में जन्म के समय वहां चंद्र था, और अभी आसमान पे मकर राशि में चंद्र बैठे, इफेक्ट और इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन उस कुंडली पे कहीं भी विष दोष नहीं है, चंद्र को कहीं से भी शनि का एस्पेक्ट दृष्टि नहीं है, ना युति है। लेकिन अब 30 साल के बाद बर्थ चार्ट का शनि के साथ आसमान पे अभी जो शनिदेव हैं उसका लिंक बना है। कुछ लोग, कुछ घराना ज्योतिषी कहते हैं कोई 7.5 या 8.5 नहीं है, कोई काल सर्प दोष कुछ होता नहीं है, और इस प्रकार के ये सब फेक हैं। ठीक है, मान लेते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं होते हैं, ये भी मान लेते हैं, हैं या नहीं। अनुभव तो उसे ही होगा ना जो भुक्तभोगी है। अकेले काल सर्प दोष किसी का कोई नुकसान नहीं करता, सही। कोई ओल्ड टेक्स्ट में काल सर्प दोष बोल के कुछ भी नहीं लिखा, कुछ ज्योतिषी के मतानुसार, सही। लेकिन ये मोटे ग्रंथ काल सर्प के बारे में 9 प्रकार का काल सर्प बताया जा रहा था, धीरे धीरे 135, 140, 160 तक काल सर्प योग दोष आज ज्योतिषी कई सारे ऐप्स में भी और सूत्र में भी मिल रहे हैं। नेचुरली पुरातन ज्योतिष क्लासिकल टेक्स्ट के अनुसार काल सर्प दोष में उतना दम नहीं रहता कि किसी को अफेक्ट कर सके, लेकिन ये एक फाउंडेशनल बेस बन सकता है किसी भी दुर्योग को अति दुर्योग में कन्वर्ट करने के लिए, पर्टिकुलरली राहु महादशा के समय या केतु महादशा के समय। क्योंकि काल सर्प तो तभी बनते हैं ना जब राहु और केतु के बीच में बाकी सारे प्लैनेट आ जाएं, अंदर पे आ जाएं, तो नेचुरली राहु महादशा हो या केतु महादशा हो, इस कंडीशन में, और अगर किसी का काल सर्प दोष लगा हो, राहु और केतु का दशा अंतरदशा एक साथ पड़ जाए, राहु महादशा में केतु अंतरदशा, बड़ा मजा है। और बाकी कुछ दुर्योग उसमें हो, दरिद्र योग बैठा हो, सूर्य शुक्र द्वादश में बैठे हो, शनि बुध शत्रु क्षेत्री होके मंगल के घर में बैठे हो, गुरुदेव चतुर्थ भाव केंद्र स्थान पे बकरी होके बैठे हों, और उसके घर में राहुदेव बैठे हों, केतुदेव कहीं ना कहीं से एकादश में
चंद्र के साथ मातृदोष बना के बैठी हूं, तब गेम मजा आता है। 5-11 का, 5-11 अमेरिका वाला, यूएसए वाला 5-11 का समस्या बैठा हो तब इस व्यक्ति के अंदर। और आप देखना, जब अभी तो काल सर्प दोष हमारे आसमान से, लास्ट जब सूर्यदेव निकले अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में जब निकल गए तुला राशि पे, कर्क राशि पे आए राहु को छोड़ के, राहु को क्रॉस करके आगे, राहु उस समय मिथुन में थे और उसको क्रॉस करके आगे, तो जब काल सर्प दोष खंडित हो गया तो जितने काल सर्पी हैं इन सब का एनर्जी लेवल डाउन हो गया। और जब विश्व ब्रह्मांड पे काल सर्प दोष बन गया था, जितने जितने का कुंडली पे काल सर्प योग है सब बड़ा एक्टिव एकदम सांप जैसे करते हैं ऐसा। तो इट इज, ये मैं यहां, ये विषय मेरा नहीं है, यहां विषयांतर नहीं हूं। तो जो शनि और चंद्र का युति या दृष्टि संपर्क या किसी भी प्रकार के परिवर्तन योग बन रहा है कहीं पर और वो इंफेक्टिव होते हैं, जिसके कुंडली पे आज जन्म जन्म से ही शनि चंद्र का योग संपर्क युति कहीं ना कहीं से बना, तो वो तो जन्म से ही इस योग पे जन्मे हुए हैं, तो उनको कहाँ इतना चिंता है, उनको कहाँ इतना अनुभव हो पाएगा कि विष योग होता क्या है आखिर। ये तो उन्हें समझ में आएगा विष योग, जो 30 साल से उनके कुंडली पे विष योग था नहीं। और ये 7.5 के दौरान शनि जब राशि में आ गए, चंद्र के साथ लिंक बनाते हैं, और ऐसा व्यक्ति ध्यानी हो, ऐसा व्यक्ति योगी हो, ऐसा व्यक्ति तपस्वी हो, ऐसा व्यक्ति अनुलोम विलोम को जानता हो, ऐसा व्यक्ति ध्यान के परम गहराई पे जाता हो, ऐसा व्यक्ति जो विपस्सी साधक हो, ऐसा व्यक्ति जो नित्य हवन करने वाला हो, ऐसा व्यक्ति जो चंडी साधक हो, ऐसा व्यक्ति जो अनर कॉन्शियसनेस एंड शरीर और मन पे आने वाले सुंदर और असुंदर विराट या नीच भावनाओं को कैच होल्ड कर पके, समझ सके, उन संवेदनाओं को समझ सके, उन मानसिक गतियों और तरंगों को पकड़ सके, उसे ही समझ में आएगा शनि का विष योग क्या होता है, कैसा इंपैक्ट हमारे जीवन पर डालता है। और फिर ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी भी हो, ताकि वो दूसरे का कुंडली देख के उनके हाव भाव चाल चलन आचार व्यवहार को देख के समझ सके कि विष योग से ये कैसे ग्रसित है, पीड़ित है, तड़प रहा है। उदार से उदार व्यक्ति भी इस कालखंड पे अति क्रूर हो जाता है। और अगर विष योग हो, 7.5 तो है, साथ में शनि महादशा भी चलता रहे, और करीब 8-9 साल शनि महादशा क्रॉस ओवर हो चुका हो, शनि में शनि महादशा, शनि में बुध अंतरदशा, शनि में केतु अंतरदशा, शनि में शुक्र अंतरदशा पार होता होता हो या क्रॉस ओवर चल रहा हो, यानी शनि जी के यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में 7-8 साल का स्नातकोत्तर हो चुका हो, ऐसा व्यक्ति ध्यानी योगी इस समय शनि के चंद्र के साथ युति या दृष्टि संपर्क का विष योग का प्रभाव गहराई से समझ पाता है कि क्या इम्पैक्ट, इफेक्ट उसके जीवन पे और उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के जीवन पे पड़ता है। और इसका भी 2 चरण होता है, एक शनिदेव मकर में बैठे और चंद्रदेव मुन उस शनि के स्थान मकर राशि से 3 घर आगे चला जाए मीन राशि पे, तो मकर कुंभ मीन पे 3rd aspect शनि का, वो 3rd aspect में चंद्र के साथ जब पड़े तो क्या होता है अंदर, और 7th house 7th aspect जब कर्क के घर में चंद्र जी रहे और डायरेक्ट दृष्टि हो तो क्या इंपैक्ट पड़ता है। मकर राशि से 3rd aspect, मकर राशि से 7th aspect, मकर राशि से 10th aspect इन तुला, यहां पर जब 10वां दृष्टि शनिदेव का पड़ता है और इस समय जब चंद्र तुला पे हो, जब चंद्र कर्क पे हो, जब चंद्र मीन पे हो 2.5 साल तक, और फिर चंद्र खुद घूम घूम के आके जब मकर राशि में बैठ जाए, यानी 2.5 दिन 2.5 दिन 2.5 दिन 2.5 दिन
करीब महीना पे 10 दिन उन उन नक्षत्र पद को जब क्रॉस ओवर करता रहे चंद्र और उस समय शनि का दृष्टि हो और वो व्यक्ति भी इस समय तात्कालिक इस प्रकार के विष योग में पीड़ित हो, तब अंदर बिना फालतू का कैसे विषात्मक प्रचंड गंदा से गंदा कचड़ा से कचड़ा दुर्भावना सप्लाई फ्रॉम सनी प्लैनेट टू मून। द मून इज अ कारक ऑफ मना, मन चिंतन भावना भाव, जो 30 साल में एक विशाल उदार हृदय हुआ करता था वही मन कचड़ा गंदगी भाव भारा कैसे मन बन गया। जो सबको उदारता से क्षमा कर देने वाला मन होता था वह मन इतना क्रूर कि उस मन के अंदर बदला लेने का बारंबार भावना और सोच, काट देंगे मार देंगे छाती पे चढ़ जाएंगे छाती पे पैर रख देंगे गर्दन मोड़ देंगे जहर खिला देंगे आंख फोड़ देंगे बाल नोच लेंगे। दिस इज अ नेगेटिव थॉट फॉर हिज एनिमी। जो तपस्वी था जप करने वाला था सबका कल्याण कहने वाला था सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे, सब कुछ नुकसान उसका कर देने के बावजूद भी वही मन भयंकर रावण जैसे खड़ा हो जाता है किसी का गर्दन नोचने के लिए। मेंटली इतना प्रचंड एंगर बिस मन का प्रभाव, शनि का लग्न पे आने का प्रभाव, चंद्र लग्न पे, व्यक्ति के लग्न पे आने से उसका इंपैक्ट अलग आ जाता है। अब ये 20 योग का शनि के साथ का जो प्रचंडतम नेगेटिव इंपैक्ट व्यक्ति के जीवन पे पड़ता है, किसी भी हालत में मेरा शत्रु को नहीं क्षमा करना। लेकिन अगर 2.5 साल पहले चले जाएं विगत 29 और 28.05 ईयर्स पे तो बड़ा उदार हुआ करता था, बहुत कुछ दे देने वाला होता था, आदमी को प्रेम करने वाला होता था, सर्व क्षमा 1,00,000 गलती को भी क्षमा कर देने वाला होता था। अब एक गलती अगर करे और तो बदला लेने का हर प्रवृत्ति को भी उसके मन पे बम फोड़ देंगे, मिर्ची डाल देंगे, आग लगा देंगे, छुरा मार देंगे, ये जो नेगेटिव टेंडेंसी बिल्डअप होता है। और किसी का अगर उस विष योग को कहीं ना कहीं से अगर राहु का एस्पेक्ट आ जाए, यानी मकर राशि को अभी जब राहु परिवर्तन करके मिथुन से जब वो वृष पे गए तो 5th एस्पेक्ट डायरेक्ट शनि के ऊपर, शनि और चंद्र के विष योग की युति पे पड़ने लगा तो व्यक्ति के अंदर हत्या आत्महत्या और कई सारे, मैं जिनको शब्दों पे यहां प्रकट नहीं कर सकता, इस प्रकार का प्रवृत्ति प्रकृति, इस प्रकार की वृत्ति गुण ऑटोमेटिक डेवलप करने लग जाते हैं अंदर मन में, और इतना क्रोध जागृत होने लगता है कि रात रात भर सो नहीं पाता, खाली बोलता है मौका मिल जाए तो शत्रु हंता हो जाऊं, क्षमा कर ही नहीं पाता है, भय इतना कि बिना मतलब का भय, जो अगर किसी साइकोटिक डॉक्टर को कहा जाए, मेंटल डॉक्टर फोबियाटिक डॉक्टर अगर उसको काउंसलिंग करे तो वो डॉक्टर भी समझ नहीं पाएगा कि यार ऐसा भी कोई सोच सकता है क्या। अपने थॉट को रिलीज एंड रिड्यूस अगर नहीं कर पाता इस समय तो मैं देखा हूं इस कंडीशन पे लास्ट अप्रैल जब शनि आए उसी दिन जो व्यक्ति आत्महत्या किया उसके बाद और एक लड़का गया था आत्महत्या करने के लिए तो माता रानी उसको बचा दी और कोई कारण नहीं सडन उसको कैसा, तो वो जो काउंसलिंग हुआ सेकंड व्यक्ति उस समय ये आत्महत्या इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वहां पुलिस खड़े थे, क्योंकि पहले से कोई व्यक्ति उसी टाइम में उसी काल पे आत्महत्या किया और ये जब वहां पहुंचता है कि वहां क्योंकि पुलिस थे तो सुसाइड पॉइंट में ये सुसाइड नहीं कर पाया, रिटर्न आ गया तो उसको जब काउंसलिंग कराया गया तो देखा गया कि उसके अंदर किस प्रकार की प्रकोप प्रभाव, और वह भी उसी राशि के अंतर्गत
मकर राशि के अंतर्गत हुआ करता था। तो ये मैंने समस्या बताया, समाधान अगर कहा जाए तो जो भी साढ़े साथी का रेमेडीज बताया गया है, हो सके तो पीपल वृक्ष में जलदान, दीवादान, छायादान और लोहे का पात्र का, लोहा इत्यादि दान, काला कम्बल, छता, टोपी, जो भी एवरीथिंग अवेलेबल, यू नो, सबको ही जानते हैं, साढ़े साथी वाले जो अलॉट हैं उनको पता है, मैं उसमें और ज़्यादा बहुत डिटेल नहीं करूं। लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा काम देता है हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान सूत्र। और इफ पॉसिबल इस दौरान अगर माँ काली का सेवा पूजा अर्चन किया जाए, शरणापन्न हुआ जाए, कुछ हद तक सेव हो सकता है, क्योंकि ब्लैक से ब्लैक को ही काटा जा सकता है। इफ इज सन इज ब्लैक, इफ इज द सन इज नील, देन द काली इज ऑल्सो दैट सेम कलर, कलर एनर्जी। मैं मुझे नहीं पता वो शनिदेव कहीं चील के ऊपर, कोई कौवा के ऊपर या किसी के ऊपर बैठे हैं, काले हैं, बड़े बड़े आँख हैं, ऐसा कहीं बैठे होंगे, मुझे, मैं तो कभी देखा नहीं। या काली माई कहीं किसी सब के ऊपर बैठी हो और सहस्र भुज हो या चार भुज हो और उलग्न हो, मुंडमाल में हो, नहीं हो, दिस ऑल आर यू नो एनर्जीज। काली जो एनर्जी, ये तो किसी ने प्रतिच्छवि बना दिया, कोई तो व्यक्ति बनाया होगा, हो सकता है उसको दिखाई दिया हो तो बनाया होगा, उसको वैसे ही दिखाई दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इज द पावर ऑफ माया, एंड माया कभी भी सत्य रूप में आपके सामने प्रकट तो नहीं होगी। आपके हम लोग उड़िया में बोलते हैं, जहार भाव जड़े तार प्रभु तड़े, इन भाव के अनुसार वो प्रकट हुई, तो भाव तो भाव ही है ना। लेकिन जो निच्छुक साधक है काली का या शनिदेव का, तो वो क्या करता है, नहीं चाहिए मेरे को ये, तुम जो हो जैसे हो, मैं तो उसी पे ध्यान लगा रहा हूँ या वही को इंतजार किया हूँ, मुझे काली का फोटो भी नहीं रखना है और शनि का फोटो भी नहीं रखना है और शिव का फोटो भी नहीं रखना है, आखिर तो फोटो ही है, आखिर तो छाया है, आखिर तो मूर्ति पत्थर है ना। लेकिन मूर्ति पत्थर आवश्यक है प्रारंभिक स्थिति में, जैसे छोटा बच्चा को खिलौना चाहिए, तो प्रारंभिक साधक को मूर्ति, फोटो, मंदिर सब चाहिए। लेकिन जहाँ जहाँ साधक एडवांस करने जाते हैं तो फिर नहीं चाहिए, फिर उन्हें भी छोड़ना पड़ता है। अगर रामकृष्ण परमहंस को भी चोटी काटना पड़ा, जनेऊ काटना पड़ा, और उस निराकार पे ध्यान लगाने के लिए उनका गुरु उनको ले गए और यहाँ पर कांच का बोतल भी डाल लगा दिए कि भाई मार काली को और चल अनंत 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 और महाअनंत में निराकार निर्गुण नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म उस तत्व पे चल, माया को हटाओ और ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या पे चल, ये अलग बात है कि बाद में रामकृष्ण परमहंस गुरु को भी ट्रेनिंग देने लगे कि देख तू जिसको माया बोल रहा है वो माया है, और उनका गुरु फिर गंगा जी से रिटर्न आके फिर उस माया रानी के पास, माँ दक्षिणेश्वरी के पास जाते हैं। तो यहाँ मेरा एक ही सोल्यूशन मैं आपको ना कहना चाहूँगा, द टॉपेस्ट सोल्यूशन इज यू गो टू अंडर द सरेंडर ऑफ मदर काली एंड शिवा। इस मानसिक हीलिंग के लिए कह रहा हूँ, बाकी शनि के जो ऑब्स्टकल्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, लाइफ में स्लो डाउन हो जाएगा, हर काम डिले हो जाएगा, ये सारे के लिए जो रेमेडीज हैं वो सारे ज्योतिषी देते हैं। मैं यहाँ कुछ टॉप लेवल का बात कर रहा हूँ, आपको इनर लेवल ऑफ माइंड का बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ भी नहीं आता हो, क्योंकि माइंड विस्मन इतना फास्टेस्ट होता है कि उसको कैच करना, उसके इम्पल्सेस को, उनके भावनाओं को, उनके भावनाओं को, उनके विचारों को, और फिर उसको हील करना बहुत मुश्किल साबित होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो ट्वेल्थ में अगर बृहस्पति गुरुदेव आके बैठे हैं किसी के जातक का, मैं जितने जातक देखा हूँ बहुत समस्या में बेचारे रहते हैं। ट्वेल्थ हाउस में अगर गुरु या फिर नीच का गुरु मकर राशि में भी बैठे हों और नीच का हों, या फिर फोर्थ हाउस केंद्रमा में, केंद्र में भी बृहस्पति बैठे हों लेकिन बकरी हों, और वो भी शनि के घर में बैठे हों या इस प्रकार के शत्रु क्षेत्री होके बैठे हों, तो भी ऐसे ऐसे लड़की, स्पेशली लड़कियों का देखा हूँ, जीवन में शादी नहीं हो पाता है, शादी हो भी गया तो पति को संभाल नहीं पाते, परिवार को संभाल नहीं पाते, टेम्प्रारी डिवोर्स भी होता है, कभी कभी परमानेंट डिवोर्स भी हो जाता है। और ऐसे जीवन पे ज़्यादातर मैं जिन जिन लोगों को देखा हूँ उनके जीवन पे
ऐसे नारियों के जीवन पे शादी हो भी गया पकड़ लीजिए तो बच्चा में डिले होता है, बच्चा हो भी गया समझ लीजिए तो बच्चा बीमार होगा या मर जाएगा, बच्चा हो के जिंदा हो भी गया समझ लीजिए वो बच्चा उस माता पिता को एक्सेप्ट करने वाला, स्वीकार करने वाला या उसके जीवन पे रजिस्ट करने वाला नहीं होगा। तो इस प्रकार के बृहस्पति के द्वादश भाव का बड़ा नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है, पॉजिटिव तो नहीं आया क्योंकि इतना बड़ा प्लैनेट व्यय के भाव में आके बैठे हैं। और किस किस जातक, कोई कोई ज्योतिषी तो कहते हैं ये ब्रह्म दोष हो गया, ब्रह्म साप दोष हो गया, किसी ब्राह्मण या किसी गुरु या किसी पितृतुल्य व्यक्ति को यह जातक ने कष्ट या किसी पूर्व जन्म में या किसी जन्म पे किसी प्रकार के हानि या कष्ट पहुंचाए हैं जिसका परिणाम वो आज भुगत रहा है इस जन्म पे, ना उसका शादी है, ना धन है, ना पुत्र है, ना संतान है, ना किसी प्रकार की उन्नति है या डेवलपमेंट है। जैसे शनि और मंगल का अंध जो कहते हैं कि अंध योग बन गया, कुंडली अंध का हो गया, उन्हें समझ में ही नहीं आता है क्या करना क्या नहीं करना और जिंदगी भर उनको पछताना ही पछताना है। तो ये जो भी दुर्योग हैं इसके मेंटल इंपैक्ट को और सोशल इंपैक्ट को भी देखना, और ये तभी संभव बनता है जब आप ध्यान करोगे, योग करोगे, प्राणायाम करोगे, अंतर्मन पे जाओगे, विपासना करोगे, नित्य प्रतिदिन अग्निहोत्र करोगे, सिद्ध साधना करोगे, आप पॉजिटिव हीलिंग्स दोगे और मन पे हमेशा आखिरी प्रार्थना सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे, ये आखिरी प्रार्थना जरूर करना। क्यों? क्योंकि पकड़ लो ऐसा जो विष योग पे चलता हुआ जातक भी ऐसा जाप कर रहे हो, इतना सुपर मंत्र का जाप कर रहा हो और उसमें मन के अंदर सोच रहा है मेरे को ऐसा कर दिया, मेरे को लात मार दिया, मेरे को थूक दिया था, मेरे को गाली दे दिया था, मेरे को सबके सामने बेइज्जत किया था, मेरे को ऐसा किया था, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, वो मर जाए, उसका लकवा हो जाए, वो उसका आँख फूट जाए, उसका हाथ कट जाए, हाँ उसका नेगेटिव माइंड इम्पैक्ट कैसा दे रहा है सोचो, उसका पैर कट जाए, मेरे को लात मारा था वो, उसका पैर कट जाए, मेरे को हाथ उठा के मैं उसका उम्र से बड़ा हूँ मेरे को मार दिया था, उसका हाथ कट जाए और ट्रेन लाइन में भीख मांगे वो उसका अगला हजार जन्म देखिए पनिशमेंट को कैसे बढ़ा रहा है, गलती उसने क्या किया, लेकिन ये अपने आत्मा से मन से जप के समय वो ऐसे जप करते हुए एक ब्राह्मण का बच्चा अभिशाप दे रहा है या उसके बारे में गलत सोच रहा है और इधर जप कर रहा है, एक जन्म नहीं, दस जन्म नहीं, सौ जन्म नहीं, हजार जन्म तक ऐसे ही विधवा होके, बांझ होके, बेस्या होके इसका जन्म हो, या ये भिखारी होके बन जाए, या दरिद्र हो जाए, या ये बर्बाद हो जाए। बीस मन एक छोटा सा गलती के लिए कितना बड़ा अभिशाप दे सकता है, कितना बड़ा नेगेटिव सोच ला के सकता है कि इसका जन्म 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 और अगला जन्म को भी बर्बाद कर दे। तो इस समय सावधान होना चाहिए क्योंकि आप अभिशाप तो दे दोगे लेकिन उसके बाद जो इंपैक्ट पड़ेगा वो खतरनाक हो जाएगा। हो सकता है अंतरात्मा पीड़ा से निकल भी जाए, नो डाउट, लेकिन अगर मुंह तक आ गया ना, और अगर आप हर दिन अथर्वशीर्ष पढ़ते हो और बाक्सिद्धि हो और लगा फंसोगे। तो यहाँ मेरा आपको कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के मनोविकारों से इस समय मकर राशि वाले बचना बड़ा जरूरी है, और इसके लिए ये मैं प्रभाव बताया। और ये जो विपासना का आखिरी प्रार्थना है सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो रे, ये बड़ा जरूरी है, या फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखाद्, ओम शांति शांति शांति, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वे, इस प्रकार की जो सामूहिक शांति मंत्र है ये इस विष योग के समय इस शनि के राशि में राशि लग्न पे रहने के समय बड़ा इम्पैक्ट करता है, ताकि मन पे अगर गलत नेगेटिव थॉट का वाइब्रेशन चला भी, इसलिए बोलते हैं ना जो युति है, ब्राह्मण है, साधु है, सन्यासी है, संत है, साधक है, जापिक है, तापिक है, खोजी है, तपस्वी है, प्रचंड तपस्वी, नाइन्थ में शनि जिसका बैठा हो, प्रचंड तपस्वी, छोड़ने वाला नहीं, दिन रात 24 घंटा करके एकदम माता के पीछे पड़ जाए या शिव के पीछे पड़ जाए या नारायण के पीछे पड़ जाए, छोड़े नहीं, और देवी देवता भी पागल हो जाता है यार क्यों पीछे पड़ा हुआ है करके। ऐसा कोई साधक हो और कोई व्यक्ति उसे कष्ट दे दिया, गाली दे दिया, मार दिया, पीट दिया, कुछ उसका हानि कर दिया, उसका पैसा ले गया, दिया नहीं गया, उसका कुछ नुकसान कर दिया, इसलिए बोलते हैं ना तो 100 गुंडे मवाली बदमाश दूर से नहीं डरना, लेकिन एक पंडित से, एक साधक से, एक साधु से, एक तपस्वी से कदाचित भिड़ना नहीं, क्योंकि आपको कोई गुंडा मवाली बदमाश चोर उच्चक का आपका इस समय इस पल एक दिन 10 दिन 100 दिन 1 साल 5 साल बर्बाद कर सकता है, लेकिन कोई साधु सन्यासी तपस्वी रावण जैसे प्रचंड साधक हो
तो जन्म 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 को ध्वंस करके रख सकता है, सावधान रहना। और विष योग पे पीड़ित हो ऐसा ऐसा साधकों से तो गलती से नहीं भिड़ना, क्योंकि करोगे गलती इतना और दंड देगा इतना, क्योंकि वो साक्षात शनिदेव का एनर्जी लेके चलता रहता है उस समय। तो चलिए, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं आया, डाउट हुआ या मैं कहीं गलती बोल दिया, नीचे धूम दबा के आप कमेंट में लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो मैं आचार्य संजय, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी, राउरकेला उड़ीसा से। कुंडली दिखाना चाहते हैं, विश्लेषण करना चाहते हैं, हाथ दिखाना चाहते हैं, वास्तु का किसी प्रकार का आप संशोधन करना चाहते हैं, आपके घर पे किसी प्रकार के वास्तु बैलेंस करवाना चाहते हैं, या किसी प्रकार के पूजा पाठ हवन रुद्राभिषेक से लेकर चंडी पाठ तक, तो संपर्क कर सकते हैं आचार्य संजय। नमस्कार। मोबाइल नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 पे संपर्क कर सकते हैं। जय हो, जय गो माता।